एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड 459 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 27, देन फाइंड द अदर नंबर। इसमें एच सी एफ एल सी एम दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है 9 एंड एल सी एम दे रखा है 459, और इसमें एक नंबर भी दे रखा है 27। तो सेकेंड नंबर या अदर नंबर क्या होगा वो फाइंड करेंगे। एल सी एम दे रखा है 459 एंड एच सी एफ दे रखा है 9, और वन नंबर को ए ले लेते हैं। ए दे रखा है 27, हमें बी निकालना है। एक फार्मूला होता है क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक ए है और एक बी है। इसमें जो जो दे रखा है वहां पुट कर देंगे, एच सी एफ की जगह 9 पुट करेंगे, एल सी एम की जगह 459 पुट करेंगे, ए की जगह 27 इंटू बी। यहाँ से बी फाइंड कर लेंगे, बी कैसे होंगे, यहाँ बी लिख देंगे, ये ऊपर लिख देंगे 9 इंटू 459 बाय ये नीचे 27। अब 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 153, तो बी आ गया 153, तो अदर नंबर आ गया 150। तो ऑप्शन ए इज इसमें करेक्ट है, हमारा आंसर अदर नंबर कितना आया था 153, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर एक्स, द एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 36 एंड एचसीएम ऑफ एक्स एंड 18 इज 2। मतलब हमें एक्स एक नंबर निकालना है, एलसीएम इसका 36 दे रखा है और एच सी एफ 2 दे रखा है। एक्स निकालना है और बी हम अदर नंबर बी 18 दे रखा है और ए एक तरह से एक्स निकालना है हमें, तो उसे कैसे निकालेंगे चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है 36, एच सी एफ दे रखा है 2, ए दे रखा है एक्स एंड बी दे रखा है 18। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मतलब एक्स निकालनी है, कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूला अपनाएंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए इंटू बी। एच सी एफ की जगह 2 पुट करेंगे इंटू एल सी एम की जगह 36 इक्वल टू ए हमें एक्स दे रखा है इंटू बी दे रखा है 18। यहाँ से एक्स निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल टू 2 इंटू 36 बाय नीचे 18 लिख देंगे। 18 से 36 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो x आ गया 2 और 2 2 इंटू 2 4, तो x की वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि हमारा x कितना आया था 4 आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर आर 9 एंड 90 इफ वन नंबर इज 18 देन अदर नंबर। मतलब इसमें एच सी एफ दे रखा है 9, एल सी एम 90 दे रखा है, अब वन नंबर मतलब ए 18 दे रखा है, तो हमें अदर नंबर फाइंड करना है, बी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल सी एम दे रखा है 90 एंड एच सी एफ दे रखा है 9, वन नंबर मतलब ए दे रखा है 18, देन हमें बी फाइंड करना है। तो वही फार्मूला अपनाएंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ 9 दे रखा है इंटू एल सी एम 90 दे रखा है इक्वल टू ए 18 इंटू बी, बी निकालना है हमें। यहाँ से फिर बी निकालेंगे, बी इक्वल टू 9 इंटू 90 बाय 18। 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स में, तो 2 से कैंसिल, फिर 2 को 90 से करेंगे तो 45 आएगा, तो बी आ गया हमारा 45। अदर नंबर कितना आ गया 45। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके। अब वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।